नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टाइप्स ऑफ पैटर्न एंड दिस इज लेक्चर नंबर 5। यहाँ पर देर आर स्पेशली 7 काइंड ऑफ पैटर्न्स, उसके ज्यादा भी काइंड्स होते हैं पैटर्न के। यहाँ पर मैं आपको 7 काइंड ऑफ पैटर्न्स को समझाऊंगी क्योंकि वही स्पेशली हमारे एग्जाम में आते हैं गेट और पीएसयूज में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा नंबर 1 दैट इज सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। देखिए, सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न जो है, इट इज द वेरी सिंपलेस्ट काइंड ऑफ पैटर्न विच इज पॉसिबल। देखिए, सबसे ज्यादा सिंपल जो पॉसिबल है वो यही है। सबसे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक एक क्यूबॉइड की कास्टिंग क्रिएट करनी है, तो ये सबसे ज्यादा सिंपल है। एक ये ब्लॉक है, इसको आप कोप और ड्रैग में ये पैटर्न ले सकते हैं और उसको कोप एंड ड्रैग में वहां पे कैविटीज पैटर्न की बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सॉलिड और सिंगल पीस, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो ये सिंगल पीस में बनाया जा सकता है। या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न हो सकते हैं, लाइक ऐसा ये लीजिए, ये भी एक बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ पैटर्न है। इसमें भी आपको 2-3 पार्ट इसके करने की जरूरत नहीं है या कोई और टाइप ऑफ पैटर्न का यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सिंगल पीस पैटर्न है वो यही है। देखिए, सिंगल पीस पैटर्न में आपको ये बात याद रखनी होगी कि इसमें एक सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। ये बात याद रखनी है, इसमें कोई सब पार्ट नहीं होता है, इसमें कोई ज्वाइंट्स नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट पॉसिबल होता है हमारा। तो यही सारी बातें मैंने यहां पर भी लिखी हैं और इसमें ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं, इतना ही है, छोटा सा है ये। देख लीजिए, इफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इज सिंपल इन शेप एंड साइज, सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न कैन बी यूज, नो सब पार्ट्स और ज्वाइंट्स, वन ऑफ द सर्फेस ऑफ द पैटर्न मस्ट बी फ्लैट सर्फेस, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पैटर्न। इसके एग्जाम्पल, सबसे पहले ये हमारा स्क्वायर ब्लॉक हो गया और दूसरा एग्जाम्पल गियर ब्लैंक हो गया। अब देखिए, जिन लोगों को ये नहीं पता गियर ब्लैंक क्या होता है, गियर ब्लैंक क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए आपको गियर बनाना है, ये गियर आपने बनाया है, इसमें कुछ टीथ होंगे गियर्स के, तो गियर के ये जो टीथ होंगे, तो इसमें सबसे पहले ये जो पार्ट है ना, गियर्स के टीथ कट किए जाते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या होगा, एक ब्लैंक बनाना होगा जो कुछ इस तरह का होगा। तो ये देखिए कितना सिंपल सा ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हो गया हमारा ब्लैंक। इसी में क्या होगा, फर्दर आप दूसरे प्रोसेसेस हैं, लाइक हॉबिंग हो गया, गियर मेकिंग हो गया, उसमें जितने भी प्रोसेस है, मिलिंग प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं, तो वो इसी गियर ब्लैंक से ही इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो गियर ब्लैंक है, ये भी आप कास्टिंग से बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो दिस वॉज नंबर 1, सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर पे देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट पीस पैटर्न। स्प्लिट पीस पैटर्न, अब यहां पर देखिए, जो नंबर 1 था वो बिल्कुल सिंपलेस्ट था। अब अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ कॉम्प्लेक्स शेप। मान लीजिए कुछ ऐसा शेप आपके पास है जिसकी आपको कास्टिंग क्रिएट करनी है, ये है हमारा जिसकी हमें कास्टिंग क्रिएट करनी है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम एक पार्टिंग लाइन से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए ये एक पार्टिंग लाइन है, इसको P के नाम से P1 मान लीजिए, ये एक पार्टिंग लाइन है, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि ये सिंगल पार्ट में इसको मैन्युफैक्चर करना, सॉरी नॉट मैन्युफैक्चर, कास्टिंग करना जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, अपना इसको दो पीस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए किस तरीके के पीस होंगे, ऐसा एक ऊपर वाला जो कि हमारे कोप का पार्ट हो जाएगा और नीचे वाला जो कि हमारा ड्रैग का पार्ट हो जाएगा। ये दो पार्ट में मैंने क्या किया है, ये जो पैटर्न है इसको डिवाइड कर लिया है। अब देखिए क्या होगा कि दो पार्ट में अगर इस पैटर्न को डिवाइड कर लिया है, तो ऑब्वियसली बात है आपको इसको मैच भी कराना पड़ेगा। तो यहां पर दो डॉवेल पिंस लगाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी। ये डॉवेल पिंस, ये ऐसा होता है जिसको आप इसको फिट करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों एक सिंगल पैटर्न बन जाएगा। तो फाइनली जो आपकी कास्टिंग में जो आपका ये बन के तैयार होगा, कोप एंड ड्रैग जो है वो कुछ ऐसा तैयार हो जाएगा आपका। देख लीजिए, ये यहां पर हमारी सैंड होगी, माउल्ड होगा, और अंदर जो है हमारी कास्टिंग होगी। और डॉवेल पिंस लगे होंगे यहां पर ताकि इन दोनों की
फिटिंग की जा सके। तो देखिए इस तरीके के पैटर्न्स जो हैं वो स्प्लिट पीस पैटर्न कहलाते हैं, जिनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर दें। ये बाहर भी सैंड माउल्ड है, देख लीजिए, ये आपका कोप है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस इज कोप, दिस इज ड्रैग एंड दिस इज पार्टिंग लाइन पीएल, पीएल या पीवन हमने लिखा हुआ था, पीएल है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो कैविटी होगी ना, विल गेट इट अलोंग द पार्टिंग लाइन। तो आप जैसे मान लीजिए और भी कॉम्प्लेक्स शेप का ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए कभी आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया, इसको अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको एक पैटर्न में पूरी तरीके से लेकर के आना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप इसको एक पार्टिंग लाइन ये ले लो P1 और एक पार्टिंग लाइन ये ले लो P2, ऊपर वाले पार्ट को आप कोप में कर लो, नीचे वाले को आप ड्रैग में कर लो और ये बीच वाले को आप चीप में कर लो, और सारों को डॉवल पिन से क्या कर लो, आराम से इनको फिटिंग की जा सकती है। तो यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको कितने भी, ये तो पार्टिंग लाइन P1 P2 ये मैंने बनाई है, आप चाहो तो कुछ और भी पार्टिंग लाइन बना सकते हो, जिससे कि ऑब्जेक्ट जो है तोड़ लिया जाएगा, डिसइंटीग्रेट कर लिया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सिंपल ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें इसको, ये पार्टिंग लाइन 1 और पार्टिंग लाइन 2, उसके बाद ये कैसा रह गया, ये एक सिंपल रेक्टेंगल रह गया, ये भी जो है बहुत ही सिंपल सिंपल पार्ट में इसको तोड़ लिया जाता है। तो यही है हमारा स्प्लिट पीस पैटर्न। अब देख लेते हैं, थोड़ी चीजें मैंने यहां पर लिख रखी है। इफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैटर्न इज मोर, पैटर्न कैन बी स्प्लिट इंटू नंबर ऑफ स्प्लिट पीसेस अलॉन्ग द पार्टिंग लाइन एंड दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कोप एंड डैग बॉक्सेस सेपरेटिवली। इट इज कॉमन मेथड फॉर इंटीग्रेट कास्टिंग। इंटीग्रेट कास्टिंग मीन्स क्या हुआ, जो कास्टिंग आपकी डिफिकल्ट होती है बनाने के लिए, तो यहां पर ये हम उनको नंबर ऑफ पीसेस में तोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको अलग अलग कोप, ड्रैग और चीक में निकाल करके कास्टिंग की जा सकती है। तो ये था आपका नंबर 2 टाइप ऑफ पैटर्न, जो कि है हमारा स्प्लिट पीस पैटर्न। अब नंबर 3 पे हम मूव ऑन करते हैं। नंबर 3 हमारा ये आ गया, नंबर 3 में हमारा है लूज पीस पैटर्न। देखिए इस कास्टिंग को हमें समझना पड़ेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके की कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है, मान लीजिए आपको कुछ ऐसी कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है, ये हो गया और उसके बीच में ये कुछ अंडर कट्स हैं, यहां पर लगे हुए हैं प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शन से इतना पार्ट ये क्या हुआ, ये बाहर रखा हुआ है। अब आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न है इसको एक साथ तरीके से जब आप माउल्ड में डालोगे, रैमिंग वगैरह कर लोगे, इसको बाहर निकालना और कैविटी क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो लूज पीस पैटर्न वहां पर यूज होता है, याद रखिए, जहां पर प्रोजेक्शंस हो एंड अंडरकट्स। ये बात आप अंडरलाइन करके याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है, ईएस में भी पूछ चुका है, व्हेन देयर आर प्रोजेक्शंस एंड अंडरकट देन व्हिच काइंड ऑफ पैटर्न मस्ट बी यूज्ड, देन यू मस्ट रिमेंबर दैट लूज पीस पैटर्न मस्ट बी यूज्ड। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। देखिए क्या है, अगर आपको ऐसे बनाना है तो इसको निकालना, इस पैटर्न को माउल्डिंग से निकालना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस को हम अलग करके बहुत ही लूज तरीके, लूज बॉन्ड बना करके यहां पर चिपका देते हैं, एक तरह से मान लीजिए ग्लू लगा करके इन ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनको यहां पर चिपका दिया गया। तो क्या होगा, जब रैमिंग होगी, जब माउल्ड बनाया जाएगा, मान लीजिए कि बना लेते हैं, एग्जाम माउल्डिंग कर लेते हैं, बना लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये जो प्रोजेक्शन मैंने बनाए हैं, ये प्रोजेक्शन जो है इसको लूजली तरीके से यहां पर बॉन्ड किसी भी तरीके का बना करके स्टिक कर दिया गया। फिर जब रैमिंग की गई होगी, मान लीजिए ये लीजिए, चलिए रैमिंग जब की गई होगी तो क्या होगा, क्योंकि ये लूज तरीके से इसके साथ बॉन्ड था, कोई बहुत बढ़िया बॉन्ड तो था नहीं कि वो जो चिपका रहेगा, तो जब रैमिंग होगी उसकी वजह से ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, पर ये जो आपका पैटर्न, ये जो यहां पर प्रोजेक्शन है, ये अपनी जगह पर बना रह जाएगा, इट विल रिमेन इन द सेम प्लेस। तो क्या होगा उसके बाद, क्या होगा जब इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो आप पहले इस पार्ट को बाहर रिमूव कर लो, मतलब कि इस पैटर्न को बाहर रिमूव कर लो, फिर उसके बाद ये जो हमारा लूज पीस है उसको दोबारा में रिमूव कर लो, तो क्या हो जाएगा कि ये कैविटी आपके रिक्वायर्ड क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर देखिए जो मैंने लिखा है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द पैटर्न्स आर हैविंग इंटरनल प्रोजेक्शंस एंड अंडरकट्स, इंटरनल प्रोजेक्शन एंड अंडरकट्स को आपको याद रखना है, ये इसका टैग पॉइंट है।
loose piece patterns can be used. After removal, the main part of the pattern, loose piece can be removed from the mould to get the required cavity. तो ये हमारा है loose piece pattern. Next, move on करते हैं हमारे next pattern पे. ये है हमारा gated pattern. देखिए gated pattern में क्या होगा कि अगर आपको mass production करना है, देखिए आप normally देखोगे क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारे mould create करने हैं और आपने वो जो mould है वो आपका expandable mould है. Expandable mould का मतलब क्या हुआ कि वो जो mould है वो दोबारा use नहीं हो सकता है, उसको आपने तोड़ करके अलग करके अपनी casting को बाहर निकाला है. तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन में आपको दिक्कत हो जाएगी. तो गेटेड पैटर्न जो है वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. वो उसी चीज का ही जुगाड़ है कि आप एक साथ बहुत सारी कास्टिंग प्रोड्यूस कर सके. तो आप क्या करेंगे कि एक रनर होगा और रनर के अलोंग बहुत सारे गेट क्रिएट करेंगे, लगाएंगे और उसके साथ बहुत सारी कास्टिंग को यहां पर फिट कर देंगे, बहुत सारे पैटर्न को यहां पर फिट करके कैविटी बनवा लेंगे. और इससे क्या होगा आपका, ये लीजिए, ये हैं आपके पैटर्न्स और ये आपका गेट है एंड दिस इज योर रनर. तो यहां पे आप देख लिया होगा कि एक रनर से जब यहां से आपका मोल्टन मेटल जो है वो एंट्री मारेगा तो ये यहां पर फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सारे गेट से यहां पर फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो आप एक साथ बहुत सारे पैटर्न को मास प्रोडक्शन के लिए गेटेड पैटर्न को यूज कर सकते हैं. तो देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए. To produce number of objects in mass production, producing of gating element manually will take more time. To overcome this, number of pattern along the gating element will produce a single pattern known as gated pattern. तो देखिए यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जो ये gated pattern होते हैं it is used for simple pattern only. For simple pattern only. ये सिंपल पैटर्न के लिए जब मास प्रोडक्शन होना होता है उसके लिए हमारा यूज किया जाता है. तो नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सा है, नेक्स्ट हमारा मैच प्लेट पैटर्न है. नेक्स्ट इज अवर मैच प्लेट पैटर्न. देखिए क्या है, दिस मैच प्लेट पैटर्न इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स पैटर्न. कॉम्प्लेक्स जब हो जाएगा हमारा पैटर्न तब हम मैच प्लेट पैटर्न को यूज करेंगे. जब हमारा पैटर्न कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. इसमें देखिए क्या होता है कि एक प्लेट होती है, एक मैच प्लेट होती है. जब डॉवेल पिन से जो हमारा स्प्लिट पैटर्न होता है, जो डॉवेल पिन से उनकी जो फिटिंग करनी होती है एग्जैक्ट उसके ऊपर नहीं आ पाती है, तो उस केस में हम मैच प्लेट पैटर्न यूज करते हैं. उसमें क्या करते हैं, हम एक मैच प्लेट ले लेते हैं. एक प्लेट होती है मैच प्लेट, मान लीजिए ये है हमारी क्या, मैच प्लेट. अब क्या करेंगे, इस मैच प्लेट के अलोंग बहुत सारे जो भी हमारी कास्टिंग है उसको हम क्या कर देंगे, फिटिंग कर लेंगे. ये देख लीजिए आप, जो बहुत सारी हमारी कास्टिंग है मान लीजिए ऐसा है, इसको हमने फिटिंग कर लिया. और फिर उसके बाद इसका माउल्ड क्रिएट कर दिया, इसके बाद इसका क्या किया, माउल्ड क्रिएट कर दिया और रैमिंग वगैरह करके इसमें क्या किया, माउल डाल दिया. तो यहां पर क्या होगा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि मैच प्लेट के अलोंग हम क्या करते हैं, जो शेप है उसको अलग अलग कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम उनकी सिंगल कास्टिंग क्रिएट कर सकते हैं. तो यहां पर आपको ये बात याद रखनी होगी कि यहां पर जो भी रनर वगैरह होगा और जो भी गेटिंग एलिमेंट होगा ये इंटीग्रेट पार्ट हो जाएगा हमारी रैमिंग का. उसके बाद हमें उनको अलग करके सेपरेट करना होगा मैच प्लेट के अलोंग और फिर उसको डिफरेंट तरीके से निकालना होगा. तो यहां पर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. टू प्रोड्यूस स्मॉल साइज्ड कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट in mass production, number of pattern can be split along the parting line and they will be added on both the sides of a match plate. अब वहां पर split piece pattern में क्या हो रहा था कि dowel pin की help से हम दोनों को match करवा रहे थे, दोनों को क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर align करवा रहे थे. पर यहां पर कोई dowel pins का use नहीं होगा, यहां पर match plate के along उनको रखा जाएगा, उसके बाद match plate को अलग करके दोनों piece को निकाल करके एक single casting बना दी जाएगी. ये दोनों casting में difference है. तो चलिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट कार्टिक कास्टिंग में आ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट पैटर्न में आ जाते हैं. नेक्स्ट पैटर्न है हमारा ये वाला स्वीप पैटर्न. देखिए क्या है ये स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न के लिए जान लेते हैं हम लोग. देखिए यहां पर आप 3D में कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं. 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की का है जुगाड़ इसमें. तो स्वीप पैटर्न में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास, आपको आपने देखा होगा
कि मान लीजिए आपको बेल शेप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये मान लीजिए कि आपको ऐसी बेल शेप क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए देखिए, आप एक 3D ऑब्जेक्ट लोगे, मान लो कि 3D ऑब्जेक्ट नहीं लोगे, 2D ऑब्जेक्ट लोगे। मान लो आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया, ये है। इस ऑब्जेक्ट को क्या करोगे कि आपका जो मोल्डिंग बॉक्स है, मान लो ये है मोल्डिंग बॉक्स, इस मोल्डिंग बॉक्स में एंटर करवाओगे। मान लीजिए इसको उल्टा करके करवाया है हमने, ऐसे, इसको ऐसे एंट्री करवाओगे। इसके बाद जब जाएगा ही अंदर, इसको 3D में घुमाओगे 3D में, ऐसा। ये थोड़ी स्पेस कम होने की वजह से यहां पर ये थोड़ा ऑब्जेक्ट ऊपर ही है, इसको 3D में घुमाओगे। तो आप ध्यान दो, अगर आपने इसको अंदर मार के 3D में घुमाया तो क्या होगा, ये एक होल क्रिएट कर देगा। अब ये कैसा होल क्रिएट करेगा वो यहां पर हम देख लेते हैं। इसके बाद ये है और इसके बाद ये है, यहां पर ये छोटा सा देख लेते हैं कि कैसा होल क्रिएट करेगा। मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा टाइप का आपका होल क्रिएट कर देगा, और इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, सैंड वगैरह होगा। अब देखिए, आपको यहां पर एक होल चाहिए, तो अब यहां पर आप एक कोर का कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए, कास्टिंग में जब भी हम लोग को कोई एक हॉलो कास्टिंग बनानी होती है, तो उसके लिए वी यूज अ कोर। अब कोर क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि ये, अब इसके बाद यहां पर मैं बना रही हूं, आपको यहां पर अंदर हॉलो चाहिए, तो ये होगा आपका, मान लीजिए ये जो आपने क्रिएट किया, और उसके अंदर एक कोर आप डालोगे। कोर क्या होता है भैया, कोर एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी तरीके का होगा, ये आप यहां पर इसको फिट कर दोगे। और बाहर क्या है, ये सैंड की माउल्ड जो है, ये कोर है आपका, ये सैंड की माउल्ड ये तैयार हो गई, और ये जो है ये अब आपका कास्टिंग या कैविटी की तरह बिहेव करेगा। ये बीच में जो कोर है, वो कोर क्या करेगा आपका, ये होलो क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अब जब आपकी फिलिंग होगी, तो ये फिलिंग जो कैविटी है, उतने में ही आपका मॉल्टन मेटल जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा। उसके बाद आप कोर को अलग करिए और सैंड को, माउल्डिंग सैंड को अलग करिए, और उसके बाद आपको ये जितना पार्ट है वो आपको कैविटी और कास्टिंग की तरह मिल जाएगा। इसमें आपको ये बात, एक बात याद रखनी होगी कि जो मोल्टन मेटल है, ये पहले तो कैसा फिल होगा, ये मोल्टन फॉर्म में फिल होगा। तो ये जो आपका कोर है, इस कोर को आपको सपोर्ट करना पड़ता है, उसके लिए आपको चैपलेट लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको चैपलेट लगानी पड़ेगी। चैपलेट क्या होता है, ये हम आगे भी एक बार जब कोर का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखिए, चैपलेट जो है वो यूज होती है आपके कोर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहां पर आपका मोल्टन मेटल फ्लूइड फॉर्म में आया है, जिसकी वजह से बॉयंसी इफेक्ट आएगा। बॉयंसी इफेक्ट आएगा तो कोर के अपने जगह से शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा चैपलेट लेना पड़ेगा। आप देखो, चैपलेट क्या है, आप जिस फ्लूइड का, जिस भी मोल्टन मेटल का आपको कास्टिंग बनानी है, उसी मेटल का आप एक सॉलिड चैपलेट ले लो और इस कोर को सपोर्ट कर लो सैंड में ही। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपको जो मोल्टन मेटल पोर होगा, ये जो चैपलेट है वो मोल्टन मेटल की ही है, तो क्या हो जाएगा, चैपलेट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर कास्टिंग। तो देखिए, ये फिर क्या होगा, आराम से आप इसको, कोर अपनी जगह से शिफ्ट नहीं होगा, और आराम से आप कोर को निकालिए और आपकी कास्टिंग क्रिएट हो जाएगी। तो यहां पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं भैया क्या लिखा हुआ है। टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप 3D ऑब्जेक्ट, 2D प्लेन पैटर्न्स विल बी रोटेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द माउल्ड टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 3D कैविटी। इट कैन बी यूज फॉर सिमेट्रिकल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद करिए, अब हम उसको 3D में घुमा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सिमेट्रिकल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज किया जा सकता है। विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सर्फेस ऑफ रिवोल्यूशन। इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो भैया, इसके लिए एग्जाम्पल होगा कोन, लार्ज साइज बेल, या सिलेंड्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट भी इससे क्रिएट किया जा सकता है। सिलेंड्रिकल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट भी इस वाली टाइप ऑफ पैटर्न से क्रिएट किया जा सकता है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पैटर्न है हमारा फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न, देखिए, अब ये फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी पैटर्न है, आपको ऐसा पैटर्न, आपको ऐसी कास्टिंग क्रिएट करनी है, ऐसी। या फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसी कास्टिंग क्रिएट करनी है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, स्ट्रक्चरली वीक है। याद रखिए, स्ट्रक्चरली वीक है। स्ट्रक्चरली वीक कैसे है, ये स्ट्रक्चरली वीक कैसे है, देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चरली वीक है कि मान लो आपको अगर ऐसा
कास्टिंग क्रिएट करना है तो सीधी सी बात है भैया, माउल्ड बनाने के लिए आपको रैमिंग तो करनी पड़ेगी। रैमिंग क्या होता है कि यहां पर जब लोड लगाएगा, रैमिंग जब आप रैम करोगे उसको, तो ये क्या होगा, इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये क्या होगा, विल ब्रेक ड्यू टू रैमिंग। या आप इसमें कभी रैमिंग करने जाओगे तो ये वाले पार्ट की भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि ये ब्रेक हो जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, एक फॉलो बोर्ड लेंगे। हम क्या करेंगे, इसको नीचे से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे सपोर्ट होगा, ये है हमारा कास्टिंग और इसके नीचे इस टाइप का एक बोर्ड लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, फिट कर देंगे। ये लीजिए, ये क्या है हमारा, एक फॉलो बोर्ड है। अब इस फॉलो बोर्ड की वजह से क्या हुआ, चलिए इसको माउल्ड बॉक्स में हम फिट कर लेते हैं। इस फॉलो बोर्ड की वजह से क्या हुआ कि जब आप इसमें अंदर सैंड को डाल करके रैमिंग करोगे, तो रैमिंग करने की वजह से तो ये जो आपका स्ट्रक्चरली वीक पार्ट था उसके नीचे से ये फॉलो बोर्ड क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा और इसको ब्रेक होने की होने से बचाएगा। अब इस वाले पार्ट के लिए कैसा होगा हमारा फॉलो बोर्ड, मान लीजिए कि ये है आपका, इसके नीचे आप एक फॉलो बोर्ड ऐसा क्रिएट करके रख दीजिए। ये क्या है, फॉलो बोर्ड। उसके बाद आप आराम से इसमें रैमिंग करिए और इसके बिल्कुल भी ब्रेक के या टूटने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, इफ द पैटर्न्स आर स्ट्रक्चरली वीक ड्यू टू रैमिंग फोर्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग द पैटर्न, सो द पैटर्न्स आर सपोर्टेड बाय द फॉलो बोर्ड। इस फॉलो बोर्ड पैटर्न के लिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ईएस में भी पूछा जा चुका है कि जो पैटर्न्स हमारे स्ट्रक्चरली वीक होते हैं उनके लिए क्या, कौन सा पैटर्न आप यूज कर सकते हैं जो आपके स्ट्रक्चरली वीक है। तो आपको याद रखना है फॉलो बोर्ड पैटर्न, और जब हमारा प्रोजेक्शन या अंडरकट होते हैं तो आपको याद रखना है कि उस केस में हम कौन सा यूज करते हैं, लूज पीस पैटर्न यूज करते हैं। देखिए अब थोड़ी बातें और जान लेते हैं, मेथड्स ऑफ रैमिंग, कितने टाइप के मेथड्स हो सकते हैं रैमिंग करने के वो समझ लेते हैं। देखिए मेथड्स ऑफ रैमिंग, देखिए तीन तरीके से मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है हमारा जॉल्टिंग, नेक्स्ट मेथड है हमारा स्क्वीजिंग, और नेक्स्ट है सैंड स्लिंगिंग। इसमें देखिए क्या होता है, जो जॉल्टिंग होता है इसमें हाई इंपैक्ट दिया जाता है, हाई इंपैक्ट। कैसे हाई इंपैक्ट दिया जाएगा, देखिए क्या है कि एमजीएच वाला इंपैक्ट दिया जाता है, एमजीएच वाला। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको बहुत ही देसी सा एग्जांपल दे देते हैं, घर में आप सॉल्ट नमक खरीद के लेके आए, डालेंगे, उसके बाद आप देखेंगे बॉटल का जो थोड़ा थोड़ा जगह रह जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, बॉटल को ऐसे ऐसे ठोकते हैं हम लोग, तो ये क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मोशन दे रहे हैं बॉटल में, ताकि जो स्पेस है वहां पर जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम वो जॉल्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अप एंड डाउन मूवमेंट, ये हमारा बेसिक है, हम लोग घर पे भी यूज करते हैं, तो मैंने ऐसा एग्जांपल आपको ले लिया, अप एंड डाउन मूवमेंट दे रहे हैं। तो अब आप घर में कभी भी नमक डाल करके उसको अप एंड डाउन मूवमेंट करें तो बता दीजिएगा भाई ये जॉल्टिंग कर रहे हैं हम लोग, ये भी एक टाइप ऑफ रैमिंग है। देखिए स्क्वीजिंग में एक प्लंजर यूज किया जाता है, प्लंजर की हेल्प से उसको हम अंदर डालने की कोशिश करते हैं। अब जो नमक का बॉटल है आप उसको ठोक नहीं रहे हैं, ऊपर से आपने कोई चम्मच ली और उसको दबा दबा करके अंदर डाल रहे हैं, उसको हम कहेंगे क्या है, कंप्रेसिव फोर्स दे रहे हैं। आपने एक स्पून लिया और उसको दबा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स दे रहे हैं। तो ये किस तरह का हमारा है, इसको कहते हैं हम लोग स्क्वीजिंग करना। नेक्स्ट है हमारा सैंड स्लिंगिंग। सैंड स्लिंगिंग क्या होता है, देखिए एक पंप होगा और ब्लेड होगा, पंप और ब्लेड की हेल्प से आप समझ लो सॉल्ट भरते जाओ, ब्लेड घूमती जाएगी और वो क्या होगा, सॉल्ट जो है अपनी अपनी जगह लेता जाएगा। तो ये तीन तरीके की मेथड है हमारा रैमिंग करने का, तीन मेथड है, जॉल्टिंग, स्क्वीजिंग एंड सैंड स्लिंगिंग। चलिए ठीक है, ये चीजें हमने देख ली हैं। अब एक पार्ट और मुझे डिस्कस करना है यहां पर, वो ये है कि देखिए लास्ट लेक्चर में
लेक्चर नंबर जिसमें हमने टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल पढ़ा था, तो तीन टाइप के पैटर्न मटेरियल हमने वहां पर पढ़े थे. पहला था वुडन, दूसरा था मेटल और तीसरा था वैक्स और प्लास्टिक का. तो आप देखिए कुछ चीजें हैं जो कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं. देखिए यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, इस बात को आप याद रखिएगा. यहां पर जो आपका वुडन वाला होता है, वुडन पैटर्न जो होता है आपका, वो लार्ज साइज की लेस मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको, मतलब लेस नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर करना है और बहुत बड़ा लार्ज साइज की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसके लिए यूज होता है. लार्ज साइज इन लेस नंबर, उसके लिए क्या होगा, आप वुडन का पैटर्न यूज करोगे. नेक्स्ट आपका जो मेटल का पैटर्न हुआ करता था, मेटल का पैटर्न ये स्मॉल साइज एंड लार्ज प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. याद रखिएगा ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और एज इट इज ही पूछा जाएगा. सॉरी, स्मॉल साइज लार्ज प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है. और लास्ट में आपका वैक्स और प्लास्टिक. तो वैक्स और प्लास्टिक जो है, आप याद रखिएगा, वैक्स और प्लास्टिक में क्या हो रहा था, ये एक तरीके की फुल मोल्डिंग हुआ करती थी, कैविटी लेस मोल्डिंग हुआ करती थी, इवेपोरेटिव पैटर्न मोल्डिंग हुआ करती थी, जिसमें आपको वैक्स और प्लास्टिक को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे अवेलेबल है. आप सिर्फ पोरिंग करो और पोरिंग करके वो वहां से इवेपोरेट होती जाएगी. तो अब जब आपको उसको बाहर निकालना ही नहीं है, पैटर्न को कैविटी क्रिएट करनी ही नहीं है, तो आपको ये किस कॉम्प्लेक्स शेप के लिए यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. तो वुडन के लिए लार्ज साइज लेसर इन नंबर, मेटल के लिए स्मॉल साइज लार्ज प्रोडक्शन, एंड वैक्स एंड प्लास्टिक जो है वो कॉम्प्लेक्स शेप ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है. तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 5, जहां पर हमने टाइप ऑफ पैटर्न को देख लिया है. हम लेक्चर नंबर 7, सॉरी इसके नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 6 होगा, उसमें हम अपना कोर पढ़ेंगे, कोर की डिजाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड भी पढ़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन गेट और ईएस में आया हुआ है दैट ऑल्सो आई विल ट्राई टू डिस्कस. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए.